ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे प्रिय दर्शकों को वेद पंडित का नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल चमकती किस्मत में स्वागत है। दोस्तों, हम आपको अपनी हर एक वीडियो में ऐसी अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारियां बताते हैं जिससे आप सभी को इन जानकारियों से लाभ मिल सके और आप आवश्यकता अनुसार हमारे बताए उपाय कर सके। हमारा यही उद्देश्य है कि हमसे जुड़े प्रत्येक दर्शक हमेशा स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। हम भगवान शंकर जी से और माँ पार्वती जी से आप सभी की उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली भरे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमसे जुड़े प्रत्येक दर्शक सुखी रहें और इन्हें कभी भी कोई कष्ट ना हो। श्री परिवार की कृपा आप पर सदा सदैव बनी रहे। आज हम आपको मिथुन राशि के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका स्वामी बुध है। बुध ग्रह मुख्य रूप से व्यवसाय का प्रतिनिधि करता है। बुद्धि विवेक और वित्त का कारक है। बुध ग्रह को अकेले होने पर शुभ तथा पाप ग्रह से युक्त होने पर अशुभ फल देता है। मिथुन और कन्या इन दोनों राशियों का स्वामी बुध है। सूर्य शुक्र राहु और केतु इसके अच्छे मित्र हैं और चंद्रमा कोई अपना शत्रु मानता है और मंगल और बृहस्पति ना इसके मित्र हैं ना ही शत्रु हैं। बुध ग्रह यदि शुभ ग्रह से युति बनाता है तो ये शुभ फल प्रदान करता है और पापी ग्रह से युति बनाता है तो इसके अशुभ फल मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी बुध शुभ फल प्रदान कर रहा है तो ये आपको बहुत ही लाभ पहुंचाता है। आपकी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। कठिन से कठिन परीक्षा में भी व्यक्ति आसानी से उत्तीर्ण कर लेता है। ये आपको उच्च प्रशासनिक सेवाओं वाली नौकरी प्रदान करवाता है। व्यक्ति को उच्च कोटि का व्यापारी बनाता है और ऐसा जातक लेखक भी बन सकता है। आय के अनेक अनेक स्रोत बनते हैं। हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस जानकारी से लाभ मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य ही देखें जिससे आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम अपने विषय पर वापस आते हैं। अगर दोस्तों आपकी कुंडली में बुध अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो यह आपको कफ वात पित्त और चर्म रोगों से पीड़ित करता है, धन हानि भी करवाता है और आपको मानसिक परेशानियां देता है और गलत कार्यों में आपको लिप्त करवाता है और जातक अपने धर्म से भी गिर सकता है और इन्हें ये नास्तिक बनाता है। बुध को अपने अनुकूल बनाने के लिए आप ये उपाय अवश्य कीजिए। आपको देवी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। आग में गौड़ियाँ जलाकर नदी में प्रवाहित करनी चाहिए। फिटकरी से दांत साफ करने चाहिए। कनिष्ठा उंगली में पन्ना पहनना चाहिए। चांदी के सिक्के में सुराख करके नदी में डालें। कद्दू और बकरी का दान करें। छोटी कन्याओं को दक्षिणा दें और पैर पूजें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो बुध आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। इस प्रकार की और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल चमकते किस्मत देखते रहिए। धन्यवाद।